हाय, इट्स दिशा। वेलकम टू द टेस्ट पेपर लाइफ पैरामेडिकल क्लासेस। सो आज का अपना टॉपिक होगा एचआईवी। दिस इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक, एचआईवी। दिस इज द ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस। पता है हमें फुल फॉर्म? दिस इज कॉज्ड बाय, किसकी वजह से होगा ये, क्या होगी इससे डिजीज? एच आई वी की वजह से क्या होगा? एक डिजीज होगी जिसे हम एड्स कहते हैं। एड्स इज द एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। यही है, दिस इज द सिंड्रोम। ठीक है, तो हम क्या कह सकते हैं कि जो एच आई वी है ना, इस एच आई वी ने क्या किया? सिंड्रोम किसे कहते हैं हम? ये ए आई डी को साइड में लगाया जाए एंड बात की जाए सिंड्रोम की, तो ये क्या है? सिंड्रोम्स क्या होते हैं? बहुत सी डिजीज का एक साथ हो जाना, जैसे कि मान लीजिए वेट लॉस भी हो गया है, टीबी भी हो गया है, बाकी कोई डिजीज भी हो गई है, तो उसको क्या कहेंगे हम? बहुत सी डिजीज का एक साथ हो जाना। किसकी वजह से? एच आई वी की वजह से। एड्स इज कॉज्ड बाय एच आई वी। एच आई वी की वजह से क्या हुई? बहुत सी डिजीज एक साथ हो गई, एक सिंड्रोम हो गया, जिसे हमने क्या कहा? एड्स कहा। ठीक है, ये अपना हो गया है ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस। एक ऐसा वायरस जिसने क्या किया कि ह्यूमन की जो इम्यूनिटी थी, ह्यूमन की जो इम्यूनिटी थी, उसे वीक बनाया या लो बनाया। ठीक है, अब क्या हो चुकी है? ह्यूमन की जो इम्यूनिटी है, उसकी कैपेसिटी क्या हो चुकी है? लो हो चुकी है। ठीक है, यही होता है। इसके सिवा हम क्या देखेंगे? इसके सिवा यहां हम देखेंगे इसका क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन के बाद हम देखेंगे इसकी स्ट्रक्चर, कौन कौन से जीपी 120 होता है, 41 होता है, 17 है, 7 है, 27, 47, जो भी है, क्या होते हैं ये, कैसे होते हैं, कहाँ होते हैं, ये देखेंगे। जीन्स देखेंगे, कहाँ कहाँ कौन कौन सी जीन होती है, पॉल है, ईएनवी है, गैग जीन है, जीएजी गैग जीन है, वो कैसी होती है, ये हम देखेंगे। इसके बाद हम क्या देखेंगे कि इसने कैसे पैथोजेनेसिस की, कैसे क्या किया इसने, डिजीज कॉज किया। ठीक है, यही देखेंगे हम। तो स्टार्टिंग की जाए इसके क्लासिफिकेशन से, तो ये कौन सी फैमिली का है? क्लासिफिकेशन, ठीक है, द फैमिली इज रिट्रोग्रेडे। देखिए, ये जो फैमिली होती है, इसकी क्या है, एक स्पेशलिटी है, क्या किसके पास क्या होगा? एक एंजाइम होगा इस फैमिली के पास। इस फैमिली के पास एक एंजाइम है जिसे हम कहते हैं रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। इस एंजाइम का काम क्या है? वैसे तो मोस्टली क्या होता है, यूजुअली डीएनए चेंज होगा, मैसेंजर आरएनए चेंज होगा आगे जाके प्रोटीन्स में, लेकिन इसकी वजह से क्या होगा? इसकी वजह से वापस क्या होगा, जो ट्रांसक्रिप्शन है वो वापस से हो जाएगा। जैसे कि डीएनए था, उसका ट्रांसक्रिप्शन हुआ ट्रांसक्रिप्शन, एंड दैट इज कन्वर्टेड इनटू मैसेंजर। कोई कंफ्यूजन नहीं है। अब क्या होता है, इसी का ट्रांसलेशन होता है ट्रांसलेशन। ट्रांसलेशन से क्या होगा? दिस इज कन्वर्टेड इनटू प्रोटीन, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जब ये एंजाइम होता है तो क्या होगी, ये प्रोसेस ऐसे हो जाएगी। ठीक है, ये तो मैम हमने बहुत पढ़ा है बहुत, ट्रांसक्रिप्टेज। लेकिन किसी ने समझाया कि इस फैमिली में ऐसा क्यों हुआ? क्या होता है, जैसे ही क्या हुआ, ये जो वायरस है अपना एच आई वी, ये कहाँ गया? सेल के पास गया।
आपको यहाँ पे समझा देते हैं पैथोजेनेसिस में हम अच्छे से देखेंगे। अभी मैं आपको यहाँ समझा देती हूँ क्या है। ये मान लीजिए अपना HIV है, ये कहाँ गया, इस सेल के पास गया। जैसे ही सेल में एंटर होगा क्या देगा अपना, जो भी इसका जेनेटिक मटेरियल है वो, इसके पास क्या था, मैसेंजर आरएनए था। क्या करे, वायरस है, सिंगल स्टैंडर्ड ही है इसके पास, डबल स्टैंडर्ड तो था नहीं, ठीक है सिंगल स्टैंडर्ड है, ठीक है निकाला। सेल के पास क्या है, ह्यूमन में इंफेक्शन हुआ, उसके पास तो डबल स्टैंडर्ड डीएनए है ना। डबल स्टैंडर्ड डीएनए से तो मैसेंजर डीएनए बन गया था, मैसेंजर आरएनए बन गया था, जिससे हमने क्या कहा, ट्रांसक्रिप्शन कहा। अपने को क्या चाहिए, हम चाहते हैं कि ये जो HIV का HIV का जेनेटिक मटेरियल है वो किसको इन्फेक्ट करे, ह्यूमन को इन्फेक्ट, यही होता है ना, ह्यूमन को इन्फेक्शन होगा। तो क्या होता है, ये दोनों बेसिकली अपनी लैंग्वेज में बोले तो ऐसे अलग अलग हो जाएंगे, ये वाला आके यहाँ जुड़ जाएगा। ऐसे समझाती हूँ, ये ह्यूमन का डीएनए था, ये ह्यूमन के डीएनए दोनों अलग अलग हो गए हैं, यहाँ क्या हुआ आके ये जुड़ गया, जुड़ा वापस से दोनों, वापस से दोनों डबल स्टैंडर्ड बन गए हैं। लेकिन अब ये क्या हुआ, ये डीएनए अब इंफेक्टेड हो गया है, किसकी वजह से, HIV की वजह से। मैसेंजर आरएनए ने क्या बना लिया है, अब वापस से डीएनए बना लिया है, एंड इसी को हम क्या कहते हैं, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं, कि वापस से क्या हुआ है, ट्रांसक्रिप्शन वापस से हुआ है। इस फैमिली की यही स्पेशलिटी है, किसके पास क्या होगा, एक ऐसा एंजाइम होगा जिसकी वजह से ये काम हो सके। ठीक है, फैमिली की हमने बात की, फैमिली के आगे हम देखेंगे दैट सब फैमिली क्या होती है। ठीक है, तो सब फैमिली देखते हैं हम, सब फैमिली इज द लेंटिविरिने, सब फैमिली इज लेंटिविरिने। ठीक है, बात की जाए इसकी जीनस की, तो जीनस क्या होगा, जीनस इज द लेंटिवायरस। कोई कंफ्यूजन नहीं है, बस हमें इतना सा ही क्लासिफिकेशन चाहिए। ठीक है, इसके अलावा हम क्या कह सकते हैं कि HIV की वजह से कौन सी डिजीज हुई, एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस, एड्स हुआ, वो मैं आपको पहले बता चुकी हूं। बात की जाए इसकी डिस्कवरी की, कि डिस्कवर्ड कब हुआ, कब हुआ डिस्कवर्ड, तो ये डिस्कवर्ड कब हुआ, द HIV इज डिस्कवर्ड, या हम कह सकते हैं इसका आइसोलेशन कब हुआ, 1983 में, इन 1983 किसने किया, पास्चर इंस्टीट्यूट के, पास्चर इंस्टीट्यूट ने किया, पास्चर इंस्टीट्यूट, कहाँ है ये इंस्टीट्यूट, इंस्टीट्यूट दिस इज लोकेटेड इन द पेरिस। कोई कंफ्यूजन नहीं है, कब हुई थी, कब हुआ इसका फर्स्ट आइसोलेशन, 1983 में हुआ, ये आपको नहीं भूलना है, MCQ में कभी कभी पूछा जाता है। ठीक है, अब हम देख लेते हैं कि HIV होता कैसा है, देख ले हम, ठीक है, वन साइड हम देख लेते हैं, उस साइड हम लिखेंगे। ठीक है, देखिए सबसे पहले क्या होगा, ये भी क्या है, एक सेल है, यूनिसेलुलर है। ठीक है, मान लीजिए आप एक सेल है, ठीक है, इस सेल के पास क्या होंगे, सबसे पहले ये वाला ले लेते हैं, दिस इज द GP41,
बहुत सुनते हैं हम, क्या सुनते हैं? GP41, दिस इज द GP41, ठीक है। यहाँ क्या होता है? GP41 इज ए रिसेप्टर। यहाँ क्या होगा? इसी के पास में GP120 भी होगा। GP120 ने क्या किया? जो अपनी होस्ट की सेल है उससे जुड़ेगा, ठीक है, उससे जुड़ेगा। यहाँ पे कौन जुड़ेगी? होस्ट की सेल जुड़ेगी, ठीक है, कोई कंफ्यूजन नहीं है। तो ये हमने क्या बनाया? दिस इज द GP120। ये दही क्या है? बहुत इंपॉर्टेंट है। किस लिए इंपॉर्टेंट है? कि जो इसकी शेल है उसके लिए, कि यहाँ पे कौन है, जो इसकी लेयर है उस पे क्या होंगे? दो रिसेप्टर्स होंगे GP41, GP41 एंड GP120, ठीक है। हमने यहां तक देख लिया। अब हम क्या देखेंगे कि इसके पास क्या है? इसके पास अपनी एक मैट्रिक्स भी है, ठीक है, मैट्रिक्स थी। इसके सिवा क्या था इसकी मैट्रिक्स में? कुछ ऐसी शेप बना देते हैं। ये क्या है? इसकी मैट्रिक्स है। देखा ये डायग्राम, ऐसी होती है मैट्रिक्स। ये मैट्रिक्स के पास कौन सी प्रोटीन है? बात की जाए मैट्रिक्स की प्रोटीन की, तो ये क्या हो जाएगी? P17 हो जाएगा। मैट्रिक्स प्रोटीन इज P17, ठीक है। अब हमने क्या देख लिया? सबसे पहले तो आउटसाइड वाली शेल देखी, उसके बाद में मैट्रिक्स देखा। अब हम क्या देखेंगे? न्यूक्लियोकैप्सिड देखेंगे। न्यूक्लियोकैप्सिड कैसा होगा? दिस इज द न्यूक्लियोकैप्सिड, कोई कंफ्यूजन नहीं है। दिस इज द न्यूक्लियोकैप्सिड। देखिए ये जो न्यूक्लियोकैप्सिड है ये क्या है? P7 है। P7, कोई कंफ्यूजन नहीं है। देखिए ये जो अपना न्यूक्लियोकैप्सिड है इसमें क्या होगा? न्यूक्लियोकैप्सिड में P17 एंड P24 दोनों ही एंटीजन्स होंगे। कैसे होंगे? ये कौन सा है जो अभी हमने बनाया? दैट इज द P24। एंड अभी जो हम देखेंगे, देख लीजिए, दिस इज ऑल्सो P7। ये भी क्या है? अपना न्यूक्लियोकैप्सिड है। ये भी क्या था? अपना न्यूक्लियोकैप्सिड था। तो हम क्या लिख सकते हैं? P7 एंड P24 दोनों ही कहाँ होंगे? इस मैट्रिक्स का जो न्यूक्लियोकैप्सिड है उसमें होंगे, ठीक है। इसके अलावा क्या होगा? हम मान सकते हैं कि क्या है इसका? न्यूक्लियस है, ठीक है। तो न्यूक्लियस के पास क्या होंगे? डीएनए, आरएनए, कुछ तो होगा। क्या होता है ये जो HIV है? उसके पास सिंगल स्टैंडर्ड्स होते हैं, बट कितने? दो सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए, बट कितने होंगे? दो होंगे, कोई कंफ्यूजन नहीं है, ठीक है। आगे चला जाए, इसके अलावा क्या होंगी? तीन चीजें इसके पास होगी। कौन कौन सी होगी अभी हम देखते हैं। RIP, ठीक है, ये तीनों चीजें भी होंगी। अभी हम आगे देखेंगे कि ये क्या होती है, लेकिन उससे पहले आपको ये स्ट्रक्चर समझ में आई, कोई कंफ्यूजन नहीं है। HIV कुछ ऐसा दिखता है, ठीक है। अब आगे क्या किया जाए? कुछ लिख लें इसकी स्ट्रक्चर, एक मिनट। ठीक है, कोई कंफ्यूजन नहीं है, हम लिख लेते हैं। देखिए सबसे पहले हम देखेंगे कि इसकी शेप कैसी होती है, साइज कितना होता है, ठीक है। साइज की बात की जाए या शेप की बात की जाए तो हमें पता है अच्छे से किसकी शेप कैसी होगी। कैसा दिखा ये आपको? गोल दिखा। तो कोई कंफ्यूजन है कि शेप कैसी होगी? स्फेरिकल होगी, ठीक है। अब कोई कंफ्यूजन नहीं है।
की बात की जाए तो कितना होता है इसका साइज, बहुत छोटा सा होता है, 82 1110 नैनोमीटर। कोई कंफ्यूजन नहीं है इसमें। अब देखिए जो इसका एनवेलप है वो भी क्या होगा, बायोलिपिड ही होगा, जैसे अपनी सेल है ना सेम वैसा का वैसा दिखता है, बायोलिपिड भी है, इसके पास भी जेनेटिक मटेरियल है, ये वहां जाएगा डीएनए के साथ मिल जाएगा। क्यों मिल जाएगा, क्योंकि ये क्या है सेम सेम ही दिखता है। इसको आपको पता है एड्स का कोई ट्रीटमेंट नहीं है, वो भी अभी हम देखेंगे क्यों नहीं है, बोलते हैं ना एड्स का कोई ट्रीटमेंट नहीं है, देखेंगे अभी हम। देखिए सबसे पहले बात की जाए इसके एनवेलप की, ये दोनों चीजें क्या है इसके एनवेलप में आएगी, जो शेल है जो उसके आउटर कवर्ड है उसी में आएगा। तो फर्स्ट बात की जाए इसके एनवेलप की तो क्या लिखेंगे हम, ये क्या है बाइलिपिड है। सबसे पहले मोस्ट इंपॉर्टेंट बात कि ये क्या है, इसका एनवेलप लिपिड बाय लेयर्ड है, ठीक है, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट हम देखेंगे कि इसका जो प्रोटीन वाला पार्ट है उसके क्या है, दो डिवीजन है, फर्स्ट वन इज GP120 एंड द सेकंड वन इज GP41। ठीक है, जो इसका GP120 है वो कैसा है आप देखेंगे, यहाँ थोड़ा सा नोब लाइक है, ठीक है, तो हम लिख सकते हैं नोब लाइक, जबकि जो GP41 है वो कैसा होगा, वो होगा एंकरिंग पेडिकल्स जैसा, जब भी ये होस्ट सेल के पास जाएगा एचआईवी तो सबसे पहले किसके कांटेक्ट में आएगा, GP120 के कांटेक्ट में आएगा, उसके बाद GP41 के कांटेक्ट में आएगा, एंड देन उसी के बाद क्या हो सकता है ये सेल में एंटर हो सकता है। मैट्रिक्स की बात की जाए तो हमने देखा था मैट्रिक्स कौन सा है, ये वाला है जिसमें हर्ट शेप के बनाए गए हैं, दैट इज द P17। ठीक है, तो नेक्स्ट बात की जाए मैट्रिक्स की तो ये क्या है P17 है। इसके सिवा हम क्या कह सकते हैं कि इसका काम क्या है, मैट्रिक्स का काम है कि ये जो GP41 बनाया है हमने ब्लू वाला उसको स्टेबलाइज करना। ठीक है, स्टेबल किसकी वजह से होगा, GP41 मैट्रिक्स की वजह से, तो इसका काम क्या हो गया, टू स्टेबलाइज द GP41, इतना सही काम है इसका। मैट्रिक्स के बाद में बात की जाए न्यूक्लियोकैप्सिड की, तो न्यूक्लियोकैप्सिड क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इट इज ऑल्सो नोन एज P24, न्यूक्लियो कौन सा एंटीजन होगा ये P24। यहां हम क्या देखेंगे, इस एंटीजन में हम देखेंगे कि यहां क्या होगा, दो सिंगल स्टैंडर्ड जेनेटिक मटेरियल होगा। ठीक है, ये क्या है एचआईवी क्या है, एक वायरस है, तो ऑब्वियसली इसके पास डबल स्टैंडर्ड डीएनए तो हो नहीं सकता, सिंगल स्टैंडर्ड ही होगा। ठीक है, कितने होंगे, दो होंगे, इसके अलावा इसके पास क्या होंगे, एंजाइम्स होंगे, कौन कौन से एंजाइम्स जो हमें चाहिए, फर्स्ट वन इज द रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज, इसकी फैमिली ही कैसी है कि इसकी फैमिली के जितने भी लोग हैं उन सभी के पास क्या होगा ये एंजाइम्स अवेलेबल होगा, मैं बता चुकी हूं क्यों। सेकेंड इसके पास कौन सा होगा, इंटीग्रेज होगा, नाम से ही पता चलता है कहीं ना कहीं पे क्या किया है इसने, इंटीग्रेट किया है, एंड द लास्ट वन इज प्रोटीज। ठीक है, ये हमने क्या देखी, ये हमने एचआईवी की स्ट्रक्चर देखी। ठीक है, देख चुके हैं हम, नेक्स्ट हम क्या देखेंगे, देखिए इफ एचआईवी बना है तो किसी ना किसी जीन की वजह से बना होगा, एचआईवी की जीन्स को भी टू पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, देखते हैं हम कौन कौन सी जीन्स की बात की जाए तो जीन्स आर डिवाइडेड इनटू
टू टाइप्स. द फर्स्ट वन इज स्ट्रक्चर. इट मींस एक ऐसी जीन्स थी जिसने क्या किया, जो एच आई वी है उसको क्या दिया, एक पोस्चर प्रोवाइड किया, या हम कह सकते हैं उसको जो उसकी शेप है साइज है वो दी. ठीक है, तो यहां कौन कौन सी जीन्स आएगी. द फर्स्ट वन इज द गैग पॉल एंड ईएनवी. तीनों जीन्स कौन सी होगी, किसी की वजह से जीपी 41 बनेगा, किसी की वजह से न्यूक्लियोकैप्सिड बनेगा, P7 बनेगा, P24 बनेगा. यही बात की जाए द सेकंड वन की, तो वो कौन सी होगी, नॉन स्ट्रक्चर. इट मींस इनका काम क्या है, इन्होंने बाकी फंक्शंस किए, किसी ने इन्फेक्शन किया लेकिन इन्होंने क्या नहीं बनाया है, उसकी शेप या साइज नहीं बनाई है. कौन कौन सी हो सकती है, द फर्स्ट वन इज द टैट, द सेकंड वन इज द एनईएफ एंड आरईएफ वीआईएफ. ऐसे कितनी जीन्स है, सिक्स जीन्स है एंड स्ट्रक्चर वाली तीन जीन्स है. सबसे पहले कौन सी पढ़ी जाए, गैट पॉल एंड ईएनवी पढ़े हम. देखिए द फर्स्ट वन इज द गैग जीन. गैग जीन में हम क्या देखेंगे, इस गैग जीन का काम क्या होता है, दिस इज द कोड फॉर मींस इसका क्या काम है. इसका काम होगा कि जो हमने शेल बनाई थी, मैंने पहले भी आपको बताया था कि शेल कौन सी है, दिस इज द शैल जो किसके कॉन्टेक्ट में आएगी, होस्ट के पास जाते ही सबसे पहले कॉन्टेक्ट में आएगी. शैल किसे कहा जाता है, जैसे कि एक होम है तो होम की जो वॉल्स है वो क्या होगी, उसकी शैल होगी. यहाँ इसकी शैल कौन सी है, GP41 एंड GP120. इट मीन्स हम कह सकते हैं कि गैग ने भी क्या किया है, गैग भी किसके लिए है, शैल के लिए है, शैल ऑफ द एच आई वी. बस हमें इतना सा याद होना चाहिए कि गैग हमेशा किसके लिए आएगी, सेल के लिए आएगी. कौन कौन से इसके प्रीकर्सर्स होंगे, एक्सप्रेस्ड जस्ट वन, दैट इज द P55. हम ये कह सकते हैं कि इनका जो कॉम्बिनेशन है वो बहुत ज्यादा का होता है. GP41, GP120 तो जो लार्जेस्ट है, P55 वो भी क्या होगी, इसी की होगी. क्योंकि ये भूल जाते हैं हम, याद नहीं होता. तो हम देखते हैं इससे क्या बनेंगी, तीन प्रोटीन्स बनेंगे. कौन कौन से, ये जो P55 है ये क्या होगा, टूट जाएगा. P55 इज क्लीव्ड इंटू थ्री पार्ट. ये जो P55 है अपना वो टूट जाएगा किस किस में टूटेगा. द फर्स्ट वन इज P17. ठीक है, द सेकेंड वन इज P24 एंड द थर्ड वन इज P7. कोई कंफ्यूजन नहीं है, आगे चला जाए. नेक्स्ट बात की जाए पॉल की, तो पॉल का काम क्या है, वो जो एंजाइम्स थे तीनों जो कहाँ थे, न्यूक्लियो कैप्सिड में. देखिए कौन से एंजाइम्स जो न्यूक्लियो कैप्सिड में पाए गए थे, ये तीनों, दिस इज द एंजाइम्स ऑफ HIV. तो ये कहाँ होंगे, पॉल जीन की वजह से कोडेड होंगे. द नेक्स्ट वन इज पॉल जी. ये किसके लिए कोडेड होगी, एंजाइम्स के लिए. दिस इज कोडेड फॉर एंजाइम्स. कौन कौन से, IP, तीनों के लिए. ठीक है, ये किसकी वजह से होगी, प्रीकर्सर, दैट इज द पॉल. That is the wall. ठीक है, कोई कंफ्यूजन नहीं है.
ये जो पोल होगा वो भी क्या होगा, आगे जाके तीन चीजों में क्लिप्ड होगा। द पोल इज क्लिप्ड इन टू थ्री पार्ट। द फर्स्ट वन इज P31। P31 इज द आई इंटीग्रेस, ठीक है। 51 दैट इज द फैमिली एंजाइम। द नेक्स्ट लास्ट वन इज P66। दिस इज द पी। यही पढ़ा था हमने कि क्या होता है, न्यूक्लियोकैप्सिड के पास तीन एंजाइम्स थे, हमने तीनों एंजाइम्स देख लिए, कौन सी कैसे बनेगी। जीन्स है ऑब्वियसली, तो क्या बनाएगी, कोई ना कोई स्ट्रक्चर बनाएगी, ठीक है। नेक्स्ट बात की जाए ईएनवी की, तो क्या बन गए, बच गए हैं अपने पास 41 एंड 120 बच गया है, दैट इज द एनवेलप। तो दिस इज द कॉर्डेट, किसके लिए कॉर्डेट है, एनवेलप के लिए ऑफ द एच आई वी, ठीक है। क्या होगी ये, किसकी वजह से होगी, P60 की वजह से, या हम कह सकते हैं GP60 की वजह से। दिस इज द ग्लाइकोप्रोटीन एंड यही GP160 क्या होगा, दिस इज क्लिप्ड डाउन इनटू GP41 एंड GP120, ठीक है। कोई कंफ्यूजन नहीं है, तीनों क्या हो चुकी है, बन चुकी है, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं नॉन स्ट्रक्चर, वो कैसे बनी, सिक्स जीन से, ये तो हमें पता है। ठीक है, द फर्स्ट वन इज टेट, TAT, टेट जीन। इसका काम क्या होगा, दिस इज द एक्टिवेटर ऑफ ट्रांसक्रिप्शन। इसने क्या किया, जैसे ही डीएन, जैसे ही जेनेटिक मटेरियल कहां जाएगा, डीएनए के पास जाएगा, इसने क्या किया, ट्रांसक्रिप्शन को एक्टिवेट हो किया, किसे, कि डीएनए तुम किस में चेंज हो जाओ, मैसेंजर आरएनए में चेंज हो जाओ, ठीक है। चेंज होगा उसके बाद में क्या होगा, इसने जैसे ही अपना सिंगल स्टैंडर्ड वहां जोड़ा, तो जो होस्ट सेल है वो भी क्या हो जाएगी, इन्फेक्टेड हो जाएगी। ये मैं अच्छे से समझा चुकी हूं। तो दिस इज द, इसने क्या किया, ट्रांसक्रिप्शन को एक्टिवेट किया नेक्स्ट इसका काम क्या होगा, कि दैट इट इज इसेंशियल, किसके लिए एसेंशियल है, किसके लिए इंपॉर्टेंट है, एसेंशियल फॉर HIV-1। अभी हम देखेंगे कि HIV जो है वो भी क्या होगा, टू पार्ट्स में उसे डिवाइड किया गया है। तो ये किसके लिए एसेंशियल है, किसके लिए इंपॉर्टेंट होगा, HIV-1 के लिए। नेक्स्ट बात की जाए NEF की, तो NEF क्या है, ये नेगेटिव फैक्टर जीन है। दिस इज द नेगेटिव फैक्टर जीन, ठीक है। कैसी होगी ये, दिस इज द P27 एंड इट इंक्रीजेस द इंफेक्शन, इट इंक्रीजेस इसका काम क्या है, होस्ट सेल में आतंक फैलाना, ठीक है। नेक्स्ट बात की जाए इसके लिए, तो इसने क्या किया कि जो सेल है अपने पास, होस्ट सेल है, जब भी उसके पास कुछ भी, कोई भी ऑर्गेनिज्म आएगा जो उसके लिए हार्मफुल है, वो कहाँ जाएगा, MHC पे जाएगा। MHC कौन सी पे जाएगा, यहाँ MHC सेकेंड मॉलिक्यूल पे शो होगा। वहां जाके जैसे ही CD4 सेल्स आएगी, इसने क्या किया, उन्हें इनहिबिट किया। तो हम लिख सकते हैं दैट द एनईएफ, दैट द एनईएफ
इनहिबिट, किसे इनहिबिट किया? CD4 सेल्स को। एक्सप्रेशन ठीक है, कोई कंफ्यूजन नहीं है। आगे हम देखिए, द नेक्स्ट जीन इज, नेक्स्ट पेज में ये क्या होगी, यहां क्या होगा, जो जीन्स थी बाकी की, चाहे वो पॉल, ईएनवी एंड गैग हो या बाकी की ये पांचों हो, इनको क्या किया गया है, इनहिबिट किया गया है, इन पे कमांड दी गई है। ठीक है, तो हम क्या कह सकते हैं, दैट दिस इज द रेगुलेशन कह लो आप, क्या क्या कह सकते हो, कमांड ऑफ HIV जीन्स। ठीक है, नेक्स्ट बात की जाए इसके लिए, तो इसने क्या किया है, इंक्रीजेस द एक्सप्रेशन ऑफ गैग, पॉल एज वेल एज ENV। तीनों को क्या किया, उनके एक्सप्रेशन को, उनका जो भी काम था उसे क्या किया, थोड़ा सा इंक्रीज किया, थोड़ा सा बढ़ा दिया। कैसे, क्योंकि कमांड किसके पास है, इसी के पास है। नेक्स्ट बात की जाए VIF की, तो ये VIF क्या है, इसने क्या किया कि जो इन्फेक्शन था HIV प्रोटीन्स का, जो इन्फेक्शन था, इन्फेक्शन ऑफ HIV प्रोटीन्स, उन्हें क्या किया इसने, थोड़ा सा अफेक्ट किया, थोड़ा सा इन्फ्लुएंस किया, इन्फ्लुएंसेस किसकी वजह से इन्फ्लुएंस्ड होगा, बाय VIF। इसकी वजह से क्या होगा, जो जीन्स के HIV की जितनी भी प्रोटीन्स थी वो इस जीन की वजह से क्या हो जाएगी, थोड़ा सा इन्फ्लुएंस्ड हो जाएगी। ठीक है, जैसे ही ये इन्फ्लुएंस्ड होगी वैसे ही क्या होगा, इन्फेक्शन भी बढ़ेगा। ठीक है, नेक्स्ट बात की जाए, द नेक्स्ट जीन इज VIF के बाद है PPR। ठीक है, ये जीन क्या होती है, यहां हम क्या देखेंगे, किसने क्या किया है, न्यूक्लियस में किसे ट्रांसपोर्ट किया, जीनोम को, अपने पास जो भी जेनेटिक मटेरियल था वो कहां पहुंच जाएगा, न्यूक्लियस के पास पहुंच जाएगा। तो इसका यही काम है कि इसने क्या किया, इट इंक्रीजेस द ट्रांसपोर्ट ऑफ किसे पहुंचाया, जीनोम को पहुंचाया, HIV का जो जीनोम है उसे न्यूक्लियस तक पहुंचाया। ठीक है, इसके सिवा हम क्या कह सकते हैं, द नेक्स्ट वन इज, किसने क्या किया है, जो होस्ट है उसके डेवलपमेंट को ही इनहिबिट किया, मतलब होस्ट तो अब आगे बढ़ नहीं सकता, होस्ट का डेवलपमेंट नहीं हो सकता, लेकिन किसका डेवलप हो सकता है, इस जीनोम का डेवलप वहां हो सकता है, जिसकी वजह से ज्यादा क्या हो, इन्फेक्शन हो, ज्यादा से ज्यादा आतंक फैले। ठीक है, तो इसने क्या किया, इट ऑल्सो रेसिस्ट द होस्ट ग्रोथ। कोई कंफ्यूजन नहीं है, देखिए लास्ट अपनी जीन बची है कौन सी, VPX। ठीक है, VPX में हम क्या देखेंगे, VPX क्या होगी, दिस जीन इज फाउंड इन HIV, कौन सा HIV, बट सेकेंड HIV। ठीक है, तो हम क्या कहेंगे, इन HIV सेकेंड में तो ये पाई जाएगी, बट एब्सेंट इन HIV 1 में क्या होगी, ये एब्सेंट
होगी। ठीक है, कोई कंफ्यूजन नहीं है। हम तीन छह छह जीन्स पढ़ चुके हैं हम, यही छह जीन्स वहां होगी। नेक्स्ट देखते हैं हमने क्या पढ़ा। देखिए, हमने सबसे पहले देखा एचआईवी। एचआईवी क्या होता है? ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस है। इसकी वजह से क्या हुआ कि जो ह्यूमन की इम्यूनिटी थी वो डेफिशिएंट हो गई है, थोड़ी सी कम हो गई है। ठीक है, नेक्स्ट हमने देखा एड्स। एड्स किसकी वजह से होता है? एचआईवी की वजह से होता है। एड्स कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है, क्या है? एक सिंड्रोम है, बहुत सी डिजीजेस साथ में हो जाती है, एक साथ हो जाएगी, उसे हम क्या कह देंगे? सिंड्रोम कह देंगे, एड्स कह देंगे। ठीक है, नेक्स्ट हमने क्या देखा कि कौन सी फैमिली से है? एक ऐसी फैमिली जिसके पास एक ऐसा एंजाइम है जिसने क्या किया कि नेचर का जो नियम था उसे ही बदल दिया। ठीक है, वही हुआ था। सब फैमिली देखी थी, जीनस देखा था, एंड थोड़ा सा इस एंजाइम के लिए पढ़ा था। डिस्कवर्ड देखा हमने, इट इज डिस्कवर्ड बाय पास्चर इंस्टीट्यूट। कब हुआ था? 1983 में हुआ था। दिस इज द इम्पॉर्टेंट थिंग कि कब हुआ था डिस्कवर्ड। द नेक्स्ट हमने इसकी स्ट्रक्चर देखी, कुछ ऐसी थी, ये इसकी शैल थी, ये इसका कोट था। ठीक है, शेप देखी, साइज देखी, एनवेलप्स देखे। क्या एनवेलप्स? दो चीजों से मिलके बना है, दो प्रोटीन से, ग्लाइकोप्रोटीन 120 एंड 41। मैट्रिक्स की बात की तो P17 था वहां, न्यूक्लियोकैप्सिड P24 था, जिसके पास दो चीजें थी, एक तो एंजाइम्स एंड एक जेनेटिक मटेरियल। जीन्स की बात की गई तो टोटल 9 जीन्स थी, तीन तो कैसी थी? स्ट्रक्चर थी, एंड 6 नॉन स्ट्रक्चर। गैग की हमने बात की तो गैग को हमने क्या कहा कि ये शैल के लिए है। सॉरी, मैंने शायद पहले गलत बोल दिया था कि शैल कौन सी है। दिस इज द शैल, है ना, जो P17 है वो क्या है? अपनी शैल है। ठीक है, वही अपनी शैल होगी जो आउटर्ड है, जैसे कि एक होम है, होम की जो वॉल्स होती है वो क्या है? अपनी शैल है। कोट हम किसे कहेंगे कि हमने क्या किया उसे? आउटसाइड से एशियन पेंट से पेंट किया, तो वो क्या हो गया है? उसका कोट हो गया है। ठीक है, तो ये क्या है? अपना होम है। होम के आसपास में क्या है? वॉल्स है। वॉल्स को हमने क्या किया? एशियन पेंट से कवर्ड किया। ठीक है, यही था। तो नेक्स्ट देखा जाए, नेक्स्ट इज गैग। ये किसके लिए थी? शैल के लिए थी। P55 तीन चीजों में टूट गया था, न्यूक्लियो कैप्सिड वाले भी यही है, P17, P24 एंड P7। बात की जाए पोल की तो पोल में क्या था? एंजाइम्स के फॉर्मेशन हुआ था, एंजाइम्स के लिए थी। एंजाइम्स कौन कौन से? P31, P51 एंड P66। नेक्स्ट बात की जाए ENV की तो ENV किसके लिए कोडेड था? HIV के एनवलप के लिए, दैट इज द प्रीकर्सर ऑफ GP160। ये भी किस में टूटा था? 41 एंड 120 में। नेक्स्ट बात की जाए टेट की तो टेट क्या है? इसने ट्रांसक्रिप्शन को एक्टिवेट किया, किस में? HIV फर्स्ट में। NEF क्या है? इसने इन्फेक्शन को बढ़ाया, एंड किससे इनहिबिट किया? CD4 सेल्स के एक्सप्रेशन को। नेक्स्ट बात की जाए रेगुलेटरी वाली जीन्स की, वहां क्या हुआ था? कमांड हुआ था किसका? HIV जीन्स का। इसने क्या किया? गैग पॉल एंड ENV के एक्सप्रेशन को बढ़ा दिया। जबकि VIF ने क्या किया कि जो HIV का इन्फेक्शन था उसको इन्फ्लुएंस किया, बढ़ाया। यहाँ क्या हुआ? VPR की वजह से जो जीनोम था वो कहाँ पहुंच गया है? HIV का जीनोम न्यूक्लियस तक पहुंच गया है, एंड क्या किया है इसने? होस्ट की सेल्स को नहीं बढ़ने दिया। लास्ट हमने देखा दैट इज द VPX। यहाँ हमने क्या देखा कि सेकंड में तो पाया जाएगा, लेकिन फर्स्ट वाले में ये क्या होता है? एब्सेंट होता है। आज के लिए इतना ही। आई होप आपको इसकी स्ट्रक्चर समझ में आई होगी। नेक्स्ट में हम देखेंगे HIV के टाइप्स, ट्रांसमिशन, एंटीजेनिक डेरिवेशन वेरिएशंस एंड इसकी पैथोजेनेसिस। थैंक यू।
हैं।